इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। कंट्रोल दुकानों से गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गरीबों के राशन से भरी गाड़ी पकड़ी गई प्रदेश सरकार के द्वारा और मध्यम एवं गरीब परिवारों को 1 रुपए किलो में ये अनाज दे रही है। ये वही गरीब का हक छीनकर राशन की कालाबाजारी बड़े पैमाने पर हो रही थी। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए मनीष शर्मा को शिकायत मिली थी कि पालदा क्षेत्र में आटा चक्की चलाने वाला व्यापारी के द्वारा सरकारी अनाज की हेराफेरी कर बाजार में बेचने का काम किया जा रहा है, जिस पर एमआईसी मेंबर मनीष मामा द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए 15 क्विंटल गेहूं छावनी अनाज मंडी से पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि जिसे खाद्य विभाग को सूचना देकर जब्त कराया गया। शर्मा द्वारा बताया गया कि इसके पूर्व में भी उनके द्वारा लगातार ही सरकारी अनाज की हेराफेरी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कराया गया है। ये शिकायत मिली थी हमको कि ये पालदा की किसी चक्की से यहाँ पे गेहूँ आया है बिकने के लिए किसी ऑटो में, तो हमने इसको देखा है। प्रथम दृष्टा ये समझ में आ रहा है कि ये एक चक्की वाला है पालदा में, जो हितग्राहियों से गेहूं खरीदता है और यहां लाके बेचता है। और अभी उससे बातचीत के दौरान ये उसने बताया भी कि वो 20 रुपये किलो गेहूं खरीदता है और यहां मंडी में बेचता है। ड्राइवर ने भी इसी पूछा, तो हम लोग इसको अभी जब्त कर रहे हैं और जब्त करने के उपरांत जो है हम इसको नान के पास QC क्वालिटी इंस्पेक्टर के पास भेजेंगे कि ये मेरी इस्तेमाल है या नहीं, उसके वेरिफिकेशन के बाद ही आगामी कार्रवाई जो भी नियमानुसार होगी की जाएगी। देखिए, हमने कल भी देवड़ाड़े के पास पास में हमने गए थे, वहाँ भी हमको सूचना मिली थी। आज सुबह हमें सूचना मिली है कि कंट्रोल का गेहूँ अनाज मंडी में बिकने जा रही है, छावनी अनाज मंडी में। तो सूचना के आधार पर हम वहाँ गए, एक ऑटो की जो सूचना थी उस ऑटो को हमने देखा तो उसमें गेहूँ के 15 बोरी के लगभग गेहूँ रखा हुआ था। जब उनसे पूछताछ करी तो उनने कबूला कि ये कंट्रोल के गेहूँ हम खरीदते हैं, तो उसको बेचने के लिए हम यहाँ अनाज मंडी में आए थे। हमने फूड डिपार्टमेंट की टीम को बुलाया, फूड डिपार्टमेंट से राहुल शर्मा जी और उनकी पूरी टीम ने वहाँ पर उससे पूछताछ करी और अभी उस पर जो विधानिक कार्रवाई होती है उसके लिए फूड डिपार्टमेंट की टीम विधानिक कार्रवाई कर रही है। उसमें भारी मात्रा में सरकारी अनाज था गेहूँ। धमकी भी मिली है? धमकी मिली है, उसके बाद आप देखेंगे हमने कार्रवाई लगातार हमारी जारी है, हम डरने वाले नहीं है। आज भी मिली धमकी? हाँ, आज भी वहाँ पे किसी ने बोला था कि बोले यार अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं है, देख लेंगे, इस प्रकार की तमाम बातें करी है वहाँ कुछ लोगों ने। एक सप्ताह में ये देखा जा रहा है कि तीसरी लगभग ही आपने पकड़ा है ये इस तरह का माल, क्या फूड डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं लचीलापन है क्या कि आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? फूड डिपार्टमेंट आप बुला रहे हैं उनको हर बार, एक सप्ताह में तीसरी बार अभी देखने में आया है ये लगातार? देखिए, ये क्या है, जो हमें सूचना मिलती है वहाँ पे हम पहुँचते हैं और उसके बाद फूड डिपार्टमेंट की टीम भी को भी मैं बधाई दूंगा, फूड अधिकारियों को भी, कि हम जो मारू जी हैं उनको फ़ोन लगाते हैं, तत्काल टीम उपलब्ध हो जाती है। 10 मिनट 15 मिनट के आसपास होते तो 5 मिनट में वो लोग आ जाते हैं और तत्काल कार्रवाई करते हैं। जो कालाबाजी कर रहे हैं उसमें आपने जो युवक को पकड़ा उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज करवाई गई है? अभी उसको ऑटो जब्त करा है और जो भी संबंधित हैं, एक ऑटो ड्राइवर है उसमें और एक जो माल जो बेचने आए थे वो दोनों को ही पूछताछ फूड डिपार्टमेंट ने करी है। अब उन पर कार्रवाई करके उनको शायद थाने ले जाएंगे। सूचना आई थी कि तेजाजी नगर पालदा में कंट्रोल है खजराना सोसाइटी के नाम से, तो हम मंडी आए, मंडी में ऑटो द्वारा जो गेहूँ लेकर जा रही है ले जाया जा रहा है कंट्रोल का सरकारी अनाज, तो हम यहाँ पर आए अनाज मंडी में, तो हमने रिक्शा पाया गया यहाँ पर, हमने फूड डिपार्टमेंट की टीम को सूचना करी, फूड इंस्पेक्टर राहुल शर्मा जी और उनकी टीम पूरी यहाँ आ गई और जब उस व्यक्ति से पूछा हमने
अध्यक्ष ने बोला कि हाँ हम ये कंट्रोल के गेहूँ खरीदते हैं और आटा चक्की है ऐसा उसने बताया। और करीबन 15 बोरी के आसपास यहाँ गेहूँ इस ऑटो रिक्शा के अंदर रखा है जिसको अभी फूड डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर हैं वो सब कार्रवाई करने में लगे हैं। ये अभी आपने देखा होगा कल भी हमने पकड़ा अनाज लगा था आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, सूचना मिलती है हम तत्काल वहाँ पहुँच जाते हैं और संबंधित आपके द्वारा माल तो पकड़ा जा रहा है लेकिन उनसे सख्ती नहीं हो रही है, ऐसा क्या कारण होता है कि प्रशासन क्या दबाव में काम कर गया है? अभी जो हमने दो बार जो कार्रवाई करी उसमें कोई रामबली नगर के कोई गुप्ता का नाम आया और एक अनवर करके जो है एजेंसी में उनका नाम आया जो बड़े व्यापारी हैं राशन की जो सरकारी अनाज की कालाबाजारी करते हैं। हम उस संदर्भ में अब माननीय जिलाधीश महोदय से मिलेंगे और राशन का जैसी कार्रवाई करने का उनसे बात करेंगे कि वो राशन का जैसी कार्रवाई बड़े राशन माफियों पर करें।